इंटरेस्ट का खुलासा नंबर एक, लोकल लीग ही माफिया की रणनीति है। हर कमी को लोकल और छोटा साबित करके अगर एनटीए परीक्षा को बचा भी लेगा तो उसकी पवित्रता का दावा कैसे करेगा कि हम एकदम पाक साफ है, और एग्जाम में हर कैंडिडेट को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, ये कैसे सिद्ध करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में खुलासा नंबर दो, एनटीए ने लोकल कहकर नीट की कमियां छिपाई। परीक्षा की पवित्रता का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नीट यूजी के छात्रों से मुलाकात की, लेकिन सीबीआई, एनटीए, शिक्षा मंत्रालय के दावों के बीच 24 लाख बच्चों का भविष्य कब तक अधर में रहेगा, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। एनटीए ने यह कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की जरूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो FIRs वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। पब्लिक इंटरेस्ट में खुलासा नंबर तीन, एनटीए ने 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य को अंधकार में डाला। इस बात को डंके की चोट पर नहीं कहा जा सकता कि पटना के अलावा कहीं भी लीक नहीं हुआ, लेकिन एनटीए लोकल लोकल चिल्ला रहा है, वो लोकल कहकर गुनाह को झुठला रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में खुलासा नंबर चार, 34 दिन बाद एनटीए के लोकल लीक का सच बेनकाब। अब एग्जाम माफिया लोकल लीक की रणनीति पर काम कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि लीक ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो राज खुल जाएगा, कारोबार नहीं चलेगा तो धंधा चलता रहे, इसीलिए लीक को अब ये माफिया लोकल लेवल पर रखता है। पब्लिक इंटरेस्ट में खुलासा नंबर पांच, लोकल लीक एनटीए की कमजोरी, 24 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य चोरी। पब्लिक इंटरेस्ट में नीट की देशव्यापी कवरेज आज 34वें दिन जारी है। पटियाल जब तक किसी मुद्दे को अंजाम तक नहीं पहुंचा देता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। नीट में 24 लाख कैंडिडेट का पेपर लीक ऐसा मुद्दा है, इसे आज हमने क्या नाम दिया है, इसे नाम दिया है लोकल लीक नीट की कमजोरी, 24 लाख छात्रों का भविष्य चोरी। पटियाल 34 दिन में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की हर नाकामी का पर्दाफाश कर रहा है। नीट एग्जाम में कैसे धांधली हुई, कैसे नियमों को ताक पर रखा गया, कैसे 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य से खिलवाड़ हुआ। पटियाल अकेला बंदा है जो लगातार 24 लाख कैंडिडेट्स के हक का मुद्दा उठा रहा है। एनटीए के धोखे पर बेधड़क होकर देश को और बच्चों के साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, 18 जुलाई को अगली सुनवाई है। अब आपको एनटीए का नाकामी का एक और सबूत देना है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि कैसे एनटीए ने 24 लाख कैंडिडेट्स के भविष्य से खिलवाड़ किया। पेपर लीक पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, याद होगा, पटियाल ने आपको बताया था, और उसमें यह दावा किया था कि पेपर लोकल लेवल पर लीक हुआ है, लीकेज का स्तर देशव्यापी नहीं है। लेकिन पटियाल 34 दिन से यह कह रहा है कि पेपर लीक का स्तर लोकल नहीं है। कैसे? अब इसका सबसे बड़ा और चौंकाने वाला अपडेट आपको देना है। पहला बड़ा अपडेट यह है कि नीट के पेपर चोरी हुए थे और उन्हें बाद में लीक किया गया। दूसरा अपडेट, सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस में बिहार के हजारीबाग से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है पंकज सिंह और दूसरे का राजकुमार उर्फ राजू। तीसरा अपडेट, सीबीआई का दावा यह है कि जिस बक्से में नीट के पेपर आए, पंकज सिंह ने उसी ट्रंक से पेपर चुराए थे। चौथा अपडेट, पंकज ने नीट के जो पेपर चोरी किए, दूसरे आरोपी राजकुमार उर्फ राजू ने उन्हें आगे लीक किया था और कई लोगों को पेपर बांटा। नीट का पेपर चोरी हुआ, इससे 24 लाख कैंडिडेट के जहन में सवाल होंगे। यही सवाल पटियाल एनटीए से भी पूछना चाहता है। नीट पेपर लीक को एनटीए सुप्रीम कोर्ट में क्यों छुपा रहा है? एनटीए क्यों ताल ठोक रहा है कि पेपर लीक का दायरा लोकल है? नीट पर पेपर चोरी हो सकता है तो क्या देशव्यापी स्तर पर पेपर लीक ना होना इसकी कोई गारंटी है? 34 दिन
एनटीए पेपर लीक में लोकल लोकल वाला गेम खेल रहा है। अब पेपर चोरी की नई थ्योरी सामने आ गई। एनटीए अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कहेगा, किस मुंह से बताएगा कि नीट का पेपर लीक नहीं, ये तो चोरी भी हुआ था, क्योंकि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में तो ये फैक्ट छिप नहीं सकता। अब पटियाला आपको बिहार के हजारीबाग लेकर चलेगा, जहां आज सीबीआई ने नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा एक्शन किया। हजारीबाग में क्या हुआ, एनटीए के लोकल लीक वाले दावे की पोल कैसे खुली, अब आप ये जान लीजिए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हजारीबाग के रामनगर की है। रामनगर के राज गेस्ट हाउस को सीबीआई ने सील कर दिया है। इस गेस्ट हाउस का मालिक राजकुमार उर्फ राजू है, वही राजू जिस पर आरोप है कि उसने ही चोरी के पेपर कैंडिडेट्स में बांटे, साथ ही लार्ज स्केल पर पेपर लीक किया। अब मैं आपको राजकुमार उर्फ राजू का परिचय बताता हूं, ये है कौन। राजकुमार राजू हजारीबाग के कदमा गांव का रहने वाला है। राजू के पिता रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल हैं, नाम है अनिल कुमार सिंह। आरोप यह है कि राजू ओएसएस स्कूल में प्रिंसिपल एहसान उल हक के टच में था। दावा यह भी है कि राजू ही वो कड़ी है जो ओएसएस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और लोकल पत्रकार जमालुद्दीन के संपर्क में था। ये सब लोग पहले ही सीबीआई इनको अरेस्ट कर चुकी है, आपको याद होगा। और ये जो राजू है, यही जो दूसरा आरोपी है, पेपर लीक के कई राज जानता है। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक लोकल जर्नलिस्ट जेल में है। सीबीआई सूत्रों से एक और बड़ा अपडेट मिला है। दावा यह है कि सीबीआई राजू और पंकज को ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य गिरफ्तार आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शशांक सीधे बिहार से जुड़ रहे हैं। शशांक, एक बात बताइए, एनटीए बार बार ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये मामला लोकल है और पेपर बड़े स्तर पर लीक नहीं हुआ है, ये तो लीक की बात करते करते आज सीबीआई में ये पेपर चोरी की बात भी कैसे सामने आई? स्कूल के प्रिंसिपल थे एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम और एक पत्रकार जमालुद्दीन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। रिमांड पर लंबी पूछताछ इन लोगों से हुई और सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि इन्हीं की निशानदेही पर पंकज और राजू की गिरफ्तारी हुई है। जो ब्लू डार्ट का कुरियर ऑफिस था, वहां से जब बैंक प्रश्न पत्र ले जाया जा रहा था तो दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की थी, 2 घंटे लग गए ले जाने में। तो शक है कि उस दौरान इसने पेपर चोरी किया और उसके बाद जो दूसरा वाला राजू है, इसने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, कैंडिडेट्स के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। और एक चीज ये भी सामने आ रहा है कि इसका जो गेस्ट हाउस है, वहां पर कुछ अभ्यर्थी और अभिभावक रुके थे, उसकी भी जांच सीबीआई की टीम कर रही है। और इस मामले में जब नीट की परीक्षा हुई थी तो इसके बाद 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर पटना के ब्योर जेल में भेजा गया था। इन 13ों को जो है सीबीआई रिमांड पर ली हुई है। अब इन सबको आमने सामने बैठा कर सीबीआई की टीम, आखिरकार इन्होंने चोरी कैसे किया था पेपर, ट्रंक से पेपर चोरी कैसे किया, ये पता लगा। जो ब्लू डार्ट का कुरियर ऑफिस है, वहां से ई रिक्शा पे प्रश्न पत्र वाले ट्रंक जो है एसबीआई बैंक जाने थे, बैंक गए प्रश्न पत्र, लेकिन 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लग गए। वहीं पर क्या टोटो चालक के मिली भगत से इन लोगों ने जो है पेपर चोरी किया, इस पर शक हो रहा है और इसी लीड पर सीबीआई की टीम जो है वो काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक। 34 दिनों की पड़ताल में नीट पेपर लीक को लेकर पटियाला ने एक कॉमन बात देखी है। एनटीए मानता है कि एग्जाम में डमी कैंडिडेट्स बैठते हैं, जो गलत है, लेकिन एनटीए की नजर में यह गंभीर मसला नहीं है। एजेंसी दलील देती है कि ऐसे कई परीक्षाओं में होता है, यह कोई पहली बार नहीं है। एक और बात जो बड़ी विचित्र है, एनटीए ये मानती है कि नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन यह नहीं मानती कि देशव्यापी स्तर पर पेपर लीक हुआ। पेपर लीक का वो लोकल लोकल बोलकर एग्जाम को रद्द करने से बचाना चाहती है या बचाने में लगी हुई है। अब तो सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके एविडेंस भी दे दिया कि नीट का एग्जाम लीक ही नहीं, चोरी भी हुआ था। पटियाला का सवाल है कि परीक्षा की पवित्रता को दावा करने वाली एनटीए अब कैसे बचेगी, कैसे 24 लाख कैंडिडेट्स के भरोसे पर खरी उतरेगी एनटीए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।